हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल अकेडमी देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किसका सेंटर कोर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रोल नंबर्स देखिए ये जो इसमें जो भी एम हमने उठाए हैं या जो भी क्वेश्चन हमने उठाए ये एस एस में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है ना जैसे इंडेक्सिंग है या हमारा टॉपिक है वो सिटी जो मैचिंग करानी है हमें इनके क्वेश्चन जो है ना बहुत कम मिलते हैं क्वेश्चन अब क्वेश्चन आप कैसे ढूंढोगे आपको क्या करना है एस एस सी और सीजीएल के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना वो आपको डाउनलोड कर रहे हैं वहां से आपको पता चलता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें जो क्वेश्चन है ना लेटस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोल नंबर्स एंड सेंटर कोड्स है इसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उठाए हैं हम आपको दिखा देंगे देखो जो ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना क्वेश्चन फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाता है कि इसमें से कुछ जैसे इसमें पांच ऑप्शन है पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन क्या है एक क्लास से होंगे एक ग्रुप से होंगे एक ऑड वन फिगर होगी और उस ऑड वन फिगर को आपको, आपको आउट करना है या कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि रॉन्ग फिगर को आप क्या किए एलिमिनेट करिए नाउ अगर हम देखेंगे इसमें से क्या है इसमें से कुछ साउंड्स दिए गए हैं साउंड्स किसके एनिमल्स के यहाँ से एनिमल्स है यहाँ से साउंड्स है जैसे लॉइन की साउंड क्या है रोर स्नैक की साउंड क्या है हिस बीज बीज की साउंड क्या है हम फ्रॉग की साउंड यहाँ पे दिखाई गई है ब्लीट वेल एस डॉग की दिखाई है बार्क अगर हम देखेंगे आपको पता है डॉग की जो साउंड है वो बार्क है वो ठीक है और लॉइन की साउंड क्या है र, रोर है स्नैक की हिस्स ये आपको याद रखना ये भी ठीक है बीज की हम है वैल्स यहाँ पर जो गलत है ना वो फ्रॉग की है और फ्रॉग की साउंड क्या है वो आप क्वेश्चन में कॉमेंट सेक्शन में बता दोगे जो फ्रॉग है ना फ्रॉग की साउंड जो है वो ब्लीट नहीं है ब्लीट किस की है वो भी आपको बताना है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन टूल सो इसका आंसर क्या था फ्रॉग डी नाउ पिक आउट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन देखिए चार ऑप्शन है चार ऑप्शन में हमें क्या करना है एक ऑड फिगर है वो आउट करनी है ठीक है अगर हम अलेवन की बात करेंगे ना अलेवन एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीपल होते हैं एक ख़ुद से और वन से होते हैं वन और अलावन से इसको क्या है मल्टीपल हो गए हो गए हो जाएगा फिर अगर हम थर्टीन की बात करेंगे ना सेम इट्स अ प्राइम नंबर वहीं पे अगर हम सेवनटीन की बात करेंगे वही वो, वो भी प्राइम नंबर है देर इज़ अ ओनली फिफ्टीन विच इज़ नॉट प्राइम नंबर यू नो फिफ्टीन को किस किस से मल्टीपल होता है वन से होगा फिफ्टीन से होगा थ्री से होगा और फाइव से होगा दीज आर द नंबर्स इसलिए क्या है ये प्राइम नंबर नहीं है कौन सा फिफ्टीन ये आपको ख्याल रखना है सो दिस इज़ द आ फिगर एंड दैट्स द राइट आंसर नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए टीचर की सर्विस पूछी गई है टीचर की जो सर्विस तो है ना वो एजुकेशन है जज की जो सर्विस है ना वो जस्टिस है और जो डॉक्टर की सर्ज सर्विस है ना वो ट्रीटमेंट है वायल एज़ कॉरपेंटर की सर्विस जो है ना वो सा नहीं है इट इज़ हिज़ इंस्ट्रूमेंट या हर इंस्ट्रूमेंट ये क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है इसकी ये सर्विस नहीं है जैसे टीचर की क्या सर्विस है टीचर की सर्विस जो है एजुकेशन है जज की सर्विस क्या रहती है जस्टिस देना और डॉक्टर की सर्विस क्या है ट्रीटमेंट करना वायल एस कॉरपेंटर की सर्विस क्या है ये आपको ख्याल रखना दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट ये क्या है ये गलत है कारपेंटर की कारपेंटर की क्या सर्विस है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे नाउ इसके बाद फिर से क्वेश्चन आ रहा है इस प्रकार का क्या और फिगर आप आप आउट कीजिए देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना ट्वेंटी थ्री एटी फाइव वन ट्वेंटी अगर आप डायरेक्ट वन ट्वेंटी फाइव की ओर देखोगे ना फाइव 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 so, को अगर आप मल्टीपल तीन बार करोगे ना क्या क्या है 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 जाएगा जो ये किसका का का बाकी अगर आप देखोगे ना क्यूब्स नहीं है बाकी में कोई पैटर्न नहीं है सो so आंसर जो है ना और फिगर यहां पर यही बनेगी वन ट्वेंटी का क्या है क्यूब है well, uh, so, इसलिए आंसर नहीं है आंसर डी इज राइट नाउ देखो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है चिकन स्नैक्सन क्रोकोडाइल फ्रॉग देखिए अगर आप इन चार ऑप्शन को गौर से देखे देखोगे ना ये जो ऑप्शन चार ये जो चार है दे लिव इन द वाटर सपोज स्नैक जो वाटर स्नैक्स टाइप के होते हैं सुन क्रोकोडाइल फ्रॉग दे ऑल लिव इन द वॉटर वायलिस चिकन कैन नॉट लिव इन द वॉटर ये आपको ख्याल रखना है इस प्रकार के बहुत सारे आपको क्वेश्चन करने हैं मैंने आपको बताया आप टेलीग्राम चैनल करना है ज्वाइन एट द रेट ऑफ मॉक बुक सर्च आप करना एम ओ सी के बी ओ ओके okay, आप सर्च करना टेलीग्राम पे यहां हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं जैसे स्पेस स्पेस यूजुअलाइजेशन के क्वेश्चन हमने डाले और हमने आपको बताया उनका आंसर कर दो कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा ना वो हम क्या है वो हम वहीं पर क्या करते हैं उसको सॉलो करते हैं नाउ देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ना इस क्वेश्चन को हम करेंगे जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे ऐ, ऐसे टाइप ऑफ जो क्वेश्चन इनको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्योंकि इस ये रोल नंबर से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स एंड रोल नंबर्स ऐसे क्वेश्चंस आपको एक दो मिलेंगे ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व ज़्यादा करना देखिए अगर हम इस फिगर को देखेंगे हम ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं इसको अगर हम मल्टीपल सेवन से करेंगे सेवन अलेवन और सेवन टेन जार सेवन सेवन ज़ार सेवन एट ज़ार तो ये जो लाइन है ना ये सेवन सेवन की मल्टीपल है वहीं पे अगर हम बी देखेंगे ना बी किसकी मल्टीपल है थ्री का लेंगे हम थ्री सेवन ज़ार थ्री नाइन ज़ार थ्री टू जार थ्री वन ज़ार ट्वेंटी वन ज़ार वहीं पे अगर हम थ्री टू जार्स ट्वेंटी थ्री एट ज़ार तो ये जो सेकंड लाइन पहली लाइन हमें क्या मिली ये मल्टीपल्स किसके है सेवनस के ये मल्टीपल किसके हैं थ्री के, के. वहीं पे अगर हम इसकी बात करेंगे ना ये मल्टीपल एट के है वाइलेस अगर यहाँ पे हम सी की बात करेंगे ना सी जो है ये मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट का है तो इसलिए यही हमारा आंसर बनता है क्योंकि अगर हम ए बी डी देखेंगे वो मल्टीपल किसी डिजिट के है जैसे ये सेवन का है ये थ्री का है ये एट का है नीचे वाली जो लाइन है वो एट की मल्टीपल है वाइलेस सी इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर क्योंकि इसमें डिफरेंट नंबर आपको मिलते हैं सो so, राइट आंसर right no. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो एफिड पेपर मोथ वूल टर्माइट वुड लोकस्ट प्लांट देखिए लोकस्ट डैमेज किसको करता है प्लांट को रिसेंटली आपको पता है ब्लैक लोकस्ट अटैक हुआ था टर्माइट किसको करते डिस्ट्रक्ट किस मतलब को मतलब खत्म करती है वुड को करती है वेल एज मौत किसको खा जाता है वूल को खा जाता है एफिड पेपर को नहीं खा जाता है एफ यही जो आंसर यही आंसर है एफिड किसको खाता है वो आप कॉमेंट सेक्शन में ऐसे लिखोगे एफिड

इस यहीं पे अगर हम इसका रेशो लेंगे सिक्स वन ज़ा सिक्स थ्री ज़ा सिक्स टू ज़ा सिक्स फाइव ज़ा रेशो क्या है वन इज टू थ्री इज टू टू इज टू फाइव यहीं पे अगर हम इस ऑप्शन की पहले बात करेंगे ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व थ्री ज़ा ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेल्व फ़ाइव ज़ा ट्वेल्व वन ज़ा टूल्व ट्व थ्री ज़ा थर्टी सिक्स टू ज़ा ट्वेंटी फोर ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी वहीं पर अगर हम इसकी बात करेंगे ना फोर वन फोर फोर जो देखिए यहीं पे ब्रेक तो हुआ ना आगे जाने की जरूरत नहीं है फिर क्या था फोर थ्री जो ट्वेल्व फिर क्या था फोर फाइव ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर जो इसका रेशो है ना इस सी का रेसो जो है ना रेशो क्या है रेशो गलत आ रहा है रेशो इन ए बी डी मतलब जैसे जिस प्रकार के है जिस पैटर्न में उस पैटर्न में इनका रेशो नहीं आता है इसकी वजह से जो है सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाती है नाउ नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो सर्कल है ना सर्कल कैसे आर्क आर्क जब हम मिलाते हैं तो सर्कल बना देते हैं जब हम डॉट्स मिलाते हैं तो लाइन बन जाती है जब हम स्क्र लाइन मिलाते हैं तो स्क्यर बन जाता है देखिए अगर आप देखोगे ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है, 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 है स्क्यर बन गया है वही हैगजन जो है एंगल से नहीं बनता हैगजन मतलब सिक्स साइड तो छः लाइन से आपका हेगागन बन जाएगा एंगल से नहीं बन जाएगा सो विच इज़ राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर सर, पहले सर्कल जो है वो आर्क से बनता है लाइन जो जब हम डॉट्स को मिलाते हैं तो लाइन बन जाती है जब हम लाइन उसको मिल जा मिल, मिलाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है जब हम हेक्सागन को अगेन लाइन उसको मिला मिलाते हैं तो हेक्सागन बनता है पहले एंगल से हेक्सागन नहीं बनता है ना ना हमें ऑड वन आउट करना है अगर हम यहाँ पे देखेंगे 121, 169, 225, 289 इसकी अगर हम बात करेंगे आपको पता है आ, 11, 11, 11 जा अगर आप इलेवन मल्टीप्लाइड बाई अलेवन करोगे वन टवेंटी वन सो यहाँ पे आपका 11 स्क्यर 11 स्क्यर किसके बराबर होता है वन ट्वेंटी वन वहीं पर अगर आप थर्टीन मल्टीपल बाई थर्टीन करोगे तो आपका आंसर जो है वन सिक्सटी नाइन सो अलेवन स्क्यर थर्टीन स्क्यर वहीं पर अगर आप देखिए पहले टू एटी नाइन का हम करेंगे टू एटी नाइन देखिए अगर आप सेवनटीन मल्टीप्लाइड बाई सेवनटीन करोगे टू एटी नाइन आ जाएगा सो सेवनटीन मल्टीप्लाइड बाई सेवनटीन टू एटी नाइन देखिए अब हम अगर आप आप बताओगे अगर हम फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई फिफ़्टीन करेंगे वो तो टू ट्वेंटी फ़ाइव आ जाएगा दैट्स राइट देखिए अगर आप अलेवन देखोगे थर्टीन देखोगे और सेवनटीन देखोगे ये तीनों जो है ना ये प्राइम नंबर्स है कौन अलेवन भी प्राइम नंबर है थर्टीन भी प्राइम नंबर है सेवनटीन भी प्राइम नंबर है फिफ्टीन यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है जो वन ट्वेंटी वन है वन सिक्सटी नाइन है टू एटी नाइन है ये स्क्यर्स है किसके प्राइम नंबर्स के कौन कौन सा प्राइम नंबर अलेवन थर्टीन एंड सेवनटीन वाइन जो टू ट्वेंटी फाइव है ये स्क्यर किसका है फिफ्टीन का जो कि प्राइम नंबर नहीं है इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन नाव कमिंग टू अनदर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं आपको होता है जो सिल्वर है सिल्वर क्या है सिल्वर एक एलिमेंट है कैडियम क्या है कैडियम एक एलिमेंट है प्लेटिनियम क्या है एक एलिमेंट है वायरल ब्रोंज्ज जो है ना वो अलाय है तो इसका भी आपको ख्याल रखना है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं किसमें इस क्लासीफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स और जो रोल नंबर्स है ऐसे क्वेश्चन आते हैं एस एस सी सी जेल में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं सो सिल्वर इज अ एलिमेंट कैडियम इज अ एलिमेंट प्लेटिनियम इज अ एलिमेंट वायरलेस ब्रोंज्ज इज अलाए ब्रोंज्ज किसके अलाय है वो आप बता दोगे इसके बाद देखिए आठ वन फिर से आउट आपको करना है अगर आप ट्वेंटी वन को देखोगे फिफ्टी फाइव को देखोगे सिक्सटी थ्री को देखोगे ये तीनों जो है ना किसी के स्क्वायर आपको नहीं मिलेंगे वैलज फोटी नाइन की अगर हम बात करेंगे सेवन स्क्वायर सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन इसलिए जो ऑप्शन कौन सी ठीक है वो फोर्टी नाइन है क्योंकि फोर्टी नाइन जो है वो स्क्वायर है किसका सेवन का वो स्क्वायर है वैलज ट्वेंटी वन आपको किसी का स्क्यर नहीं मिलेगा फिफ्टी फाइव भी नहीं मिलेगा सिक्सटी थ्री भी किसी का स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा नाउ अगर आपको याद है एट मल्टीप्लाइडी नाइन नाउ इसके बाद देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे भी क्वेश्चन आता है आपने देखा होगा बड़ी बार इंस्ट्रूमेंट्स पे भी क्वेश्चन आता है जैसे हाइड्रोमीटर बैरोमीटर डायमीटर हाइग्रोमीटर ठीक है अगर आप इन तीन की ओर देखोगे ना हाइड्रोमीटर जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट है जो बैरोमीटर है ना ये भी इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर जो भी है ना ये भी इंस्ट्रूमेंट है वायल्स डायमीटर इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट डायमीटर सिंपली आप क्या डिस्टेंस देखते हो सर्कल की जो वो रेडियस जो हम बीचों बीच सेंटर के जो थ्रू पास हो जाते हैं उसको हम डायमीटर बोलते हैं और उसी डायमीटर को हम लेटरान क्या करते हैं लेटरान इसको मेजर करते हैं वायल्स हाइड्रोमीटर क्या करता है ये भी आपको बताना है बैरोमीटर क्या करता है हाइग्रोमीटर क्या क्या मेजर करते हैं ये इंस्ट्रोमेंट किस काम के आते हैं वो आपको बताना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बड़ी बार आपको पूछा जाता है कि आप बताइए ब्लड प्रेशर जो है किससे मेजर किया जाता है ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है या कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाते हैं कि टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या है ये ये इस टाइप के जो मीनिंग्स है वर्ड्स है वो भी आपको प्रिपेयर रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना इसके बाद आप देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखोगे डे दे, डे से डेज जब मिलाते तो आपका जो है मंथ बन जाता है डेट होता है ईयर होता है ये तीनों जो ये तीनों जो ये चारों चारों जो है ये पार्ट से किसके कैलेंडर के क्योंकि कैलेंडर में आपको आप डेट भी देखते हो कैलेंडर में कैलेंडर में आपको एक ईयर भी मिल जाता है कैलेंडर में आपको एक मंथ भी मिल जाता है कैलेंडर में आपको पर्टिकुलर डे सैटरडे संडे पर्टिकुलर डे आपको मिल जाता है ये सारे जो पार्ट्स हैं ना किसके है ये कैलेंडर के पार्ट्स है तो कैलेंडर जो है ना दैट इज ऑड आउट क्यों क्योंकि ये भी पार्ट है कैलेंडर का ईयर एक पार्ट है कैलेंडर का डेट एक पार्ट है कैलेंडर

देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ क्यों अपोजिट लाइट को हेवी अपोजिट है शॉर्ट हेवी सॉरी शॉर्ट को लॉन्ग अपोजिट uh, है मैन को वुमेन जो है अपोजिट है सो so, मैन को अपोजिट क्या है वुमेन शॉर्ट को अपोजिट क्या है लॉन्ग लाइट को अपोजिट क्या है हेवी एस क्राइम को ब्लैम अपोजिट नहीं है क्राइम को अपोजिट क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कैसे लिखोगे आप लिखोगे क्राइम फिर लिखोगे अपोजिट फिर लिखोगे आगे क्या होगा अपोजिट सो क्राइम को ब्लैम अपोजि नहीं है वो ख्याल रखे इस चीज़ का ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अपोजिट क्वेश्चन या कभी कभी मीनिंग डायरेक्ट आ जाते हैं दूसरे में उसको अपोजिट दिया जा दिया जाता है तो वो ऑप्शन आपको क्या है सिलेक्ट करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नाउ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी पेन मार्कर पेपर और पेंसिल देखिए अगर आप पेन देखोगे ना पेन से हम कुछ लिखते हैं मार्कर से हम कुछ लिखते हैं पेंसिल से हम कुछ लिखते हैं किस पे लिखते हैं पेपर पे लिखते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक होगी ना वो कौन से ऑप्शन है पेपर ऑप्शन है क्योंकि वही क्या है ऑड वन फिगर है रेस्ट ऑफ द थ्री में या इन चार में से जो ऑड वन है कौन से है पेपर है क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो लिखने के काम आते हैं और पेपर पर पे लिखा जाता है नाउ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप इगलो इगलो देखोगे ना कहीं ना कहीं ये डिवेलिंग प्लेस है कहीं ना कहीं ये वो प्लेस है जहाँ पे रहते हैं हाउस भी है डिवेलिंग प्लेस है जहाँ पे आप रहते हो हट भी है जहाँ पे आप रहते हो फ्लैट भी है जहाँ पे रहते हो वायल फैक्ट्री जो है ना ये वर्क प्लेस है तो फैक्ट्री पर काम किया जाता है बाकी जो रेस्ट ऑफ द फोर है ना ये डिवेलिंग प्लेसेज है डिवेलिंग प्लेसेज होते हैं सिंपली जहाँ पे आप रहते हो ये वो जगह है और वायलेज फैक्ट्री जो है ये एक वर्क प्लेस है सो फैक्ट्री इज द आर्डवर आउट हेयर नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन ठीक है ये क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड किया है ये क्वेश्चन मुझे फॉरवर्ड किया दोस्त ने उसने बताया कि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में उसने आया हुआ देखा था ठीक है ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको कमेंट सेक्शन में मतलब ये आपको स, स, आ, मतलब क्या करना है ये आपको कैसे मैं आपको बता दूंगा फिर आप फाइनली आप आंसर दे दोगे ठीक है आपको देखना है आर ए और जे ये तीनों मतलब सीक्वेंस में कहाँ पे आते हैं जैसे ए का वन है इनको आपको प्लस करना है आर देखना आर कहाँ पे आता है जे कहाँ पे आता है इन तीनों को जब आप प्लस करोगे ना प्लस करके प्लस करके मल्टीप्लाइड बाई थ्री करना क्योंकि रा जो है तीन वर्ड से बना हुआ है ऐसे गीता जैसे कि गीता में अब मैं आपको बता दूं जी आई टी ए जैसे ए क्या है वन प्लस टी किस नंबर पे आता है प्लस आई किस नंबर पे आता है प्लस जी किस नंबर पे आता है मल्टीप्लाइड बाय फोर क्योंकि गीता जो वर्ड है ये फोर से बना हुआ है जो वहां से आंसर आएगा वो आप लिखना फिर विल द वरुण फिर वरुण कैसे आएगा वी ए आर यू एन वी ए आर यू एन वी वी आपको पता होगा कहां पे लिख कहां पे है उसको प्लस करोगे ए आपको वन है प्लस आर कहां पे आता है इसको प्लस करोगे यू को प्लस करोगे यू किस प्लेस पे आ जाता है वो जो प्लेस पे आएगा पंद्रह पे आएगा सोलह पे आएगा सत्रह पे आएगा अठारह पे किस पे आएगा वो प्लस करोगे फिर एन एन किस डिजिट पे आता है उसको प्लस करोगे फिर मल्टीप्लाई क्या करोगे मल्टीप्लाई फाइव करोगे क्यों मल्टीप्लाई फाइव करोगे क्योंकि वर्ण जो वर्ड है वो फाइव से बना हुआ वी ए आर यू एन एक दो तीन चार पांच और जो फाइव मल्टीप्लाइड बाई ये करोगे ना आप वही इसका आंसर होगा और इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि अब आप इसको पहले करोगे सोलो फिर हम इसको आपको कर, क्योंकि लास्ट सेकंड पे मैंने उठाया इसमें से क्योंकि फॉरवर्ड किया गया था टेलीग्राम पे उन्होंने बताया था इसका आप आंसर जरूर करना क्योंकि इसको ये सोलो नहीं हुआ था सिंपली ये क्वेश्चन क्या है आर प्लस ए प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई थ्री ऐसे ही गीता मल्टीप्लाइड बाई क्या है जैसे आ, आप डायरेक्ट कर सकते हो एटी सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री वन फोर एट मल्टीप्लाइड बाई आपको ऐसा ही करना है ऐसे 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 करके सॉल्व करके फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हो लास्टली वरुण को मल्टीप्लाई करके इसको करना है फाइव दैट विल बी आंसर ओके थैंक यू बाय